हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है चावल की कुरहरी बनाने की। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं चावल की कुरहरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है। ये मैंने वही चावल लिया है जिसे हम खिचड़ी और खीर बनाने में यूज करते हैं। मोटा वाला चावल है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी में धो लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इस प्रेशर कुकर में जो हमने चावल धो के लिए हैं इनको डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा, नमक, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन और 1 चम्मच ऑयल। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसका ढक्कन लगा के इसको गैस पर रख देंगे। प्रेशर कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने देते हैं। कुकर में 1 सीटी आ गई है और हमने इसको 10 मिनट के लिए गैस पर से उतारने के बाद ठंडा कर लिया है। इसका प्रेशर भी खत्म हो चुका है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। इनको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे स्पून की हेल्प से इस तरह से, और इनको एक दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, हमने स्पून की हेल्प से इन्हें थोड़ा सा मैश कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके चावल थोड़े अलग अलग हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के 1 सीटी और लगा सकते हैं। तो हमें चावल इस तरह से चाहिए। अब इनको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर थोड़े ही चावल दूसरे बाउल में निकाले हैं जिससे कि ये ठंडे ना हो जाएं। इसका हम ढक्कन लगा के इसको एक साइड कर देते हैं और जो हमने ये चावल निकाले हैं इसकी अब हम कुरहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, मैं प्लेट में बना के दिखा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो इनको किसी पॉलीथीन पर बनाएं तो ये इजीली निकल जाएंगे। प्लेट को हम हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से निकल जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। फिंगर्स को हम इस तरह से थोड़ा सा पानी में डिप कर लेंगे जिससे कि ये ईजिली बनती चली जाएंगी। इस तरह से हम चावल लेंगे। चावलों को हमने मैश कर लिया है। आप इनको कैसा भी बना लीजिए, जब सूखने के बाद आप इनको फ्राई करेंगे तो ये टेस्ट में आपको अच्छी लगेंगी। तो इसी तरह से हम इनको बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। छोटा बड़ा जो भी साइज़ आपको जैसा भी रखना हो। इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुरहरी बना के तैयार कर ली हैं। जब भी आप कुरहरी बना रहे हैं तो जब आप इनको बना रहे हैं, जब आपको लगे कि हाथ में चावल चिपकने लगे हैं तो आप इसी तरह से बाउल में पानी लेके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हाथ को डिप करते रहेंगे तो ये इजीली बन जाएंगी। इनको हम बनाने के बाद 1-2 दिन धूप में इनको सुखा के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुरहरी सूख के तैयार हो गई हैं। इन्हें हमने 2 दिन तेज़ धूप में सुखाया है। अगर धूप में नहीं सुखाना चाहते आप या आपके घरों में धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे में भी सुखा सकते हैं। सूखने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम फ्राई करेंगे ये आपको फिर लाइट कलर की दिखने लगेंगी। तो चलिए अब इनको फ्राई करके भी दिखाते हैं। गैस पर मैंने पहले से कढ़ाई रख ली है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब थोड़ी सी कुरहरी हम डालेंगे। ये देखिए, आप देखेंगे कि इनका कलर
लाइट हो गया है। अब एक प्लेट में नैपकिन पेपर लगा के इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सिक्के तैयार हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो इसी तरह से अपनी सारी कुरेरी हम सेक के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी कुरेरी फ्राई करके तैयार कर ली हैं। आप इनको सुखाने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 1 साल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपका खाने का मन करे तो आप थोड़ी सी कुरेरी लेकर उनको फ्राई करिए और चाय के साथ, या नॉर्मली जब भी बच्चे आपके कोई भी नमकीन चीज़ खाने की मांग करें तो आप उनको दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।